क्यों? यही सवाल उठता है हर जिंदा चीज़ में इस चीज़ को देखने के बाद। आखिर क्यों करते हैं लोग ऐसा? आखिर क्या वजह है इस गहरे दर्द की? तो हम ही कोशिश करेंगे इसके दर्द को समझने की। आपके ऑप्शंस ये रहे: ए, क्या इसे टट्टी नहीं आ रही? बी, क्या इसने पेंट में ही कर दी? सी, क्या ये गांड से पागल हो गया है? सारे ऑप्शंस में ही बताऊं, सही जवाब देने वाले को मिलेगा। आप हमें SMS कर सकते हैं अपने उठने से पहले और अपने सोने के बाद। यार, आज का अपना टॉपिक है साउथ इंडियन मूवीज पे, जिन्होंने अच्छे ज्यादा हिंदी मचा रखी है। तो चलो यार, देख कर आते हैं। अरे क्या लावड़ा फंस गया मुंह में? अब ये बंदे ने बोतल पी और दी घुमा के, और बोतल भी बड़े मजे मजे से घूमती हुई जा रही है, और वो बंदा भी बिल्कुल उसकी सीध में ही भाग रहा है। ये नहीं कि भाई इधर उधर हो जाऊं तो शायद मैं बच जाऊं, लेकिन नहीं भाई, अगर इधर उधर हुआ तो भाई डायरेक्टर पैसा नहीं देगा। तो अब यार मैं वो बोतल तुम्हें उस गरीब के सर पे फूटती हुई नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यार नकली है ये सब। तुम लोग समझा करो यार, तुम समझो वो बोतल उसने अपनी गांड में डाल ली। सीधे चलते हैं दूसरे नंबर पे। अब आते हैं इस गरीबों के अक्षय कुमार पे। ये दरिंदा बचपन में पैरों से कंचे खेलता था, इसलिए बड़ा पक्का है इसका निशाना। अजी घंटा पक्का निशाना, मुझे तो लगा ही नहीं। अब अगले शॉट में इन्हें अपने कुछ स्किल और अपनी कुछ चीजें दिखाई हैं। ये रहा मेरा भीख मांगने वाला उल्टा कटोरा, ये रही मेरी रोलेक्स की नजायज औलाद, ये रहा मेरा पोलियो वाला हाथ, और ये रही मेरी गांड मतलब मुंह। एक दफा इस सांड को सांस लेते हुए देखो, एक बार फिर। अरे रुक जा भाई, दिमाग दिख रहा तेरा नाक में से। लेकिन भाई क्यों है ये यहाँ? मैं फिल्म के एंड के नंबर खत्म होने तक देखता रहा कि कोई फरिश्ते के मुंह वाला आके बोलेगा कि भाई नहीं है ये हीरो, टेंशन मत लो। लेकिन भाई कास्टिंग डायरेक्टर को पूरी पब्लिक की एक साथ लेनी थी एक ही दफा में। अब ये जो लड़ाई के नाम पे इसने चुदाब मचाया ना, वही देखेंगे और क्या। आ गया तू मेरी गांड फाड़ने, आज ये तलवार नहीं ये दोनों हाथ तेरी गांड में डाल दूंगा। और भेंचोद, ये डायरेक्शन है क्या? किस स्पाइडरमैन को दी थी ये डायरेक्शन? रोलर कोस्टर वाली फीलिंग आ रही थी सीन को देखते हुए। अब तेरी बारी। गोल पानी। अबे बच्चा देख के समझ जाएगा कि ये खिलौना ही था, और तुम लोग इसे इंसान मान के चल लो, ऐसे तो खिलौने बनना बंद हो गए। नींद कैसे आती है तुम लोगों को? और ये क्या था भेंचोद? भोसड़ी के उन्होंने कुर्सी टेबल लगाई हुई है तेरे लिए अपने मुंह के अंदर, जो उसके मुंह में घुसा ही चला जा रहा है। तेरे को सारा विकराल आज ही बनना। नहीं, अरे भाई नहीं भाई, बस भाई हो गया। अब ये भड़वागिरी और नहीं देखी जाएगी मुझसे भाई। पांचवें नंबर पे चल रहे हम सीधा। हाँ भाई, यही होता है, बिल्कुल यही होता है जब कार के बोनट पे डंडा लगा हुआ और कोई उछल के उस पे बैठ जाए। गाड़ी 65 बार घूम के सीधी हो गई, लेकिन ये हराम खोर जरा भी नहीं हिला। भोसड़ी के मदरचोद बहन के लोड़े, मच्छर की झाट, गांडू मुर्गी चूत तेरी, टट्टों के सौदागर।
जैसे इसने इन गाड़ियों पे गोलियां मारी है ना, वैसे इसकी गांड पे गोलियां मारनी चाहिए रोड पे लिटा के। और गांडू हंस और रहा उल्टी हरकतें करके। अब तुम लोगों में से जो ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग जिंदा बचे हैं तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और इंट्रो यार जरूर बताना अगर अच्छी लगी तो, ठीक है, वरना करते हैं फिर उसके बारे में भी कुछ। तो मिलेंगे यार फिर कभी ना कभी, ठीक है यार, बाय। आपकी मदद मिलने के बाद उनको अच्छी एक और अच्छी रकम जीत सकते हैं। तो रकम जीते क्या मच जाएगा मादरचोद? काम दाम करता नहीं है, करोड़पति खेल ले गया। देखिए देखिए भाई साहब, आप गाली मत बकिए, हमारा शो कर। तेरी भी माँ की चूत। देखिए भाई साहब, आप गाली मत बकिए। अरे माँ का भोसला करोड़पति का।